सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये फिल्म इमरजेंसी पर बनी है और इसके कुछ डायलॉग्स पर कांग्रेस को एतराज था और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि कल मधु भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार रिलीज होगी। हमारे साथ था एडिटर न्यूज आंचल आनंद जुड़ रही हैं। आंचल, बहुत पहले से ही ये विरोध कांग्रेस का चल रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि कल रिलीज होगी। देखिए, मधुर भंडारकर के लिए राहत की बात है कि उनकी फिल्म कल रिलीज होने जा रही है, लेकिन शोभना आपको थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगी। यहाँ पर याचिकाकर्ता कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने तमाम धाम जो भी वो एजिटेशन कर सकते थे वो की। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर है वो खुद को संजय गांधी की बायोलॉजिकल डॉटर कहती है, जो याचिका लगा के आई थी, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उनका लोकल स्टैंडर्ड क्या है, इसीलिए हाईकोर्ट ने उनका मामला डिसमिस किया था। अब दूसरा जो सबसे वैलिड पॉइंट इसमें आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जब फैसला सुनाया है तो बहुत अहम टिप्पणी की है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जब सीबीएफसी ने जितने कट रेकमेंड किए थे वो हो गए, जब डिस्क्लेमर लग गया, तो आखिरकार ये बताइए कि कहाँ ये लिखा है, कहाँ का कानून है कि अब आपकी परमिशन लेनी होगी, आपका कंसेंट जरूरी है ये फिल्म की रिलीज से पहले। कोर्ट ने कहा कि हम ये निटिग्रिटीज और टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल आर्टिस्टिक फ्रीडम को लेकर होगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जनता का जानने का अधिकार है, पब्लिक इंटरेस्ट है, वो किसी की भी रेपुटेशन से कहीं ज्यादा जरूरी है, कहीं ज्यादा अहम है। यानी कि ये टिप्पणियां अपने आप में मील का पत्थर साबित होंगी दूसरे इस तरह के मामलों में भी। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद आंचल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।